हमारे मीडिया को भी पता है कि करेक्ट वर्ड क्या है. थैंक यू वेरी मच. सो आईआर के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं. सबसे पहले यहाँ का जो सस्पेंस माहौल है वो दिखाने के लिए एक थीम सॉन्ग बनाया हुआ है. सो सबसे पहले देखते हैं जिसे हमारे समीर जी ने कंपोज किया. सो लेट्स सी द थीम सॉन्ग फर्स्ट. इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है सैम भट्टाचार्य जी ने. आप सोच सकते हैं क्या थॉट है, थॉट प्रोसेस. आपने लोकेशंस भी देखी, बहुत सुंदर फॉरेन की लोकेशन है. पूरी शूटिंग यूके में हुई है, यूरोप में हुई है. रोहित जी हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार हैं. करिश्मा प्रोडक्ट की हमारी कलाकारा हैं. बाकी कलाकार भी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, अमित शर्मा हैं, रक्षित जी हैं. इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आईएमप्लेक्स के राकेश वगेरिया जी और समीर जी, जिन्होंने इनका बैकग्राउंड स्कोर किया. थीम म्यूजिक जो हमने आपने सुना वो किया हुआ. अब हम देखते हैं इस फिल्म का ट्रेलर. हम जो बाहर में रहते हैं हम एसोसिएट कर सके एंड पीपल कैन फाइंड सम सॉर्ट ऑफ सिमिलैरिटी व्हाट इज हैपनिंग टू देयर लाइफ टुडे. सो टेक्निकली वी आर ऑल एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग नाउ. हम ऐप समझते हैं, हम मोबाइल फोन समझते हैं, हम स्मार्टफोन समझते हैं, हम कुछ कोडिंग भी कर लेते हैं. हम अपना फेस को कभी भी यंग बना सकते हैं, बुढ़ा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सो इसका रिपरकशंस क्या है, आउटकम क्या है, कि कौन बेनिफिट कर रहा है इससे. दिस इज होल थिंग इज आईआर. टेक्निकली आज के दिन में हम बंदूक लेकर लड़ाई नहीं करते, हम लड़ाई करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ. आज के दिन में एक टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं टेक्निकल गुड्स. हु इज मेकिंग द मोस्ट मनी इन दिस वर्ल्ड? The people who are sitting in the field of technology, the technical mafia, जिसको बोलते हैं. आज के दिन में आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है. मैं जो आपसे आज बात करूंगा ये 10 जगह पे जाएगा. I want you to spread the data. So the most important is we want to disseminate data. But data को किस तरह से यूटिलाइज कर किया जा रहा है ये आईडा बोलने का कोशिश कर रहा है. And it tries to give you a message. It is a very important thing. That people understands कि आज एक फोटो भी आप क्लिक करते हो, कहाँ पे जा रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, कैसे डिजाइन कर रहा है, अब क्लाउड में डाल देते हो. क्लाउड किसी किसको किसको बेनिफिट कर रहा है, किसके लिए बना है, कौन देख रहा है, वो चीज के बेसिस पे हम बोल रहे हैं व्हाट इज आईआर इज ट्राइंग टू गिव यू ओवरऑल पिक्चर टू द होल थिंग. सो व्हेन आई केम टू रोहित जी, रोहित बोस रॉय, उनको मैंने आइडिया समझाया. So at that time when I was trying to speak to him, I also had no idea what I'm talking, because it was like 3 years back when you were it's the starting of ChatGPT, things like fake profiles and fake images and all those things were just on the rise. And during COVID time, हम लोग बैठे-बैठे सोचे थे कि क्या करें से देख रहे हैं. See, everything has become Zoom calls and everything. So to put this on the screen, we had to have almost 1600 VFX shots. जो आज के दिन में कोई प्रोड्यूसर भी डरता है हाथ लगाने के लिए कि अच्छा इतना भी एफएक्स है कैसे हम इसको वो करें. सो आई कुडंट अप्रोच एनीवन बट माय एक्टर्स, द पीपल हु आर सिटिंग विद मी टुडे, दे हैव ट्रस्टेड मी दैट वी कैन डिलीवर दिस फिल्म. दे वर पेशेंट विद मी, दे हैव वेटेड फॉर 3 इयर्स की फिल्म हम कंप्लीट करके आपको दिखा सके. सो थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू करिश्मा, थैंक यू Rakshit, and I had my mentor here, Samir ji, who has been very, very privileged to come in today. So I will call him to the stage to support me and take me forward onto this, because main isme naya hu, main seekh raha hu aap log se. So anyway, bhul chuk karta hu, to boliye ki aise mat karo, aise karo. I'm happy to learn. Thank you, sir. Thank you very much. I request. Yeah, नयों की जरूरत है कि नया ये आयरा जो बनाई है इन्होंने. मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से हूँ, समीर सेन, दिलीप सेन, समीर सेन. मैं समीर सेन हूँ एंड आई एम ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स. तो अभी हमारे IPRS में डिस्कशन इतना हो रहा है कि AI क्या है और AI से कितना नुकसान भी हो रहा है, फायदा भी हो रहा है लोगों को, और जो फायदा ये बता रहे हैं कि जो दूसरे लोग उठा रहे हैं.
तो ये जो फिल्म बनाई है मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड किया, थीम सॉन्ग आपने सुना वो स्टार्ट का, और बहुत मजा आया, मैंने इनके साथ बहुत ही एक दो फिल्म की है, एंड आई विश हिम वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक रोहित जी एंड ऑल द स्टारकास्ट ऑफ दिस फिल्म, एंड मैं चाहता हूँ कि ये नई नई चीजें आप बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राकेश बगेरिया जी से कि प्लीज पुष्पगुच्छ लेकर के हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब सपोर्ट करने वाले हमारी इस फिल्म को। आप लोगों ने ट्रेलर दिखा, गाने दिखे, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। मुझे याद है जब पहली बार सैम ये कहानी लेके मेरे पास आए थे तो मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन टाइमिंग देखिए रिलीज की कि पिछले 4-5 महीनों से पेपरों में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही बात कर रहे हैं, और उनका मानना है कि हिंदुस्तान जो है आने वाले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे लीडिंग फोर्स होने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और फिल्म की टाइमिंग भी अच्छी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बैकड्रॉप है, फिल्म बिल्कुल ही एक थ्रिलर मोड का है, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल्स है, सस्पेंस बहुत जबरदस्त है, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, वो फिल्म आप देखेंगे तो समझेंगे, एंड तक आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। मेरे लिए ये एक फेदर इन माय कैप है, क्योंकि जब मैं शूटिंग करने लंदन गया था तो मैं इन लोगों को नहीं जानता था। अक्सर किसी नए सेटअप में जाते हैं तो अपने आप को उस सेटअप में ढूंढना पड़ता है, लेकिन इन लोगों ने वो एटमोसफियर इतना अच्छा और वेलकमिंग बनाया था कि फिल्मिंग करते वक्त मुझे बहुत मजा आया। इनकी टीम बहुत सॉलिड है, इतनी एफिशिएंट टीम है, मैं क्या बताऊँ आपको। हमारे यहाँ पे आप जानते ही है 160-180 लोगों की टीम होती है, इनकी टीम शायद 60-80 लोगों की थी लेकिन काम कर रहे थे 200 लोगों का। तो फिल्में ऐसी बनती है, ऐसी बननी चाहिए। करिश्मा के साथ काम करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छी दोस्त है, मित्र है मेरी कई सालों से, लेकिन इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मेरा ये मानना है कि वन ऑफ द प्रीटीस्ट को एक्टर्स आई हैव वर्क्ड विद, करिश्मा थैंक यू फॉर बीइंग ऑन बोर्ड। रक्षित ने बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया है, इमरून का बहुत अच्छे किरदार निभाए इन्होंने पहले भी, लेकिन इस फिल्म में बहुत ही यूनिक किरदार निभाया है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब ये फिल्म देखें और स्प्रेड द वर्ड कि आयरा आ रही है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप सोच रहे हो कि आयरा है क्या, आयरा का मतलब क्या है, इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम है हरी, हरी को उल्टा करें तो क्या होता है, आयरा। दैट्स द टाइटल ऑफ द फिल्म, इट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जैसा आपने देखा आई एम द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप किसी की भी जब मृत्यु होती है तो आपको बहुत दुख होता है, लेकिन आयरा द्वारा आप पहले से उनकी आवाज, उनकी शक्ल, उनका पूरा नजरिया कैप्चर कर सकते हैं, ताकि उनके जाने के बाद भी ऐसा लगे कि वो आपके साथ खड़े हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई यू नीड टू सी आयरा। सो प्लीज गो टू द थिएटर्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। और 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है, ये पिक्चर भी 5 तारीख को रिलीज हो रही है, तो योर बर्थडे गिफ्ट टू मी इज टू गो एंड सी द फिल्म इन द थिएटर्स। थैंक यू। मैंने खुद ट्रेलर नहीं देखा था और गाना नहीं देखा था, सो आई एम वेरी हैप्पी। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड जस्ट गिव अस ऑल योर लव। Did you like the whole thing, the whole package which you saw right now? You know, I find it very awkward to see myself on screen. I don't like seeing myself, but I think I look pretty nice. Yes, you are. Don't worry, I look pretty nice. It's actually, because you know, it's how the person shoots you, right, ultimately. Yes. Oh, at least I look like me. Wow, that is so good. Rakshit ji, aap se jana chahenge? It's been a fantastic experience working with Sam. We had a lot of restrictions then, working for the movie with a limited team and stories, he said. But I think it's a very different concept, very new, not like a normal romantic film or something that's predictable. So, bahut mehnat kiya poore team ne. So, thank you once again. Sabse request hai, please jaake dekhiye on 4th of April. Aur dusri baat, हमने जब ट्रेलर देखा पहली बार तो
स्मॉल स्क्रीन में देखा क्योंकि फोन में इतना एक्साइटेड हमें देखने के लिए, तो ऑन कर दिया उसको देखने लगा। तो यहाँ बैठ के बिग स्क्रीन में देखने का जो पूरा मजा है वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। ऐसा लगा मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम के लिए देख रहा हूँ। तो थैंक्स वंस अगेन, आई थिंक एवरीबॉडी इज लुकिंग लवली गॉर्जियस। थैंक यू सैम भी, स्पेशली रोहित जी, और आई थिंक सैम, आई हैव नोन हिम फॉर सम टाइम नाउ एंड आई थिंक ही इज द वीएफएक्स किंग, दैट्स व्हाट आई कॉल हिम। He can just make anybody look good, normally and even otherwise. So, thanks once again. Please do watch. I want to say something before. Rajeshji, sorry. ये जो आपने एक scene देखा होगा, उसमें बड़ा सा ऐसा globe बना हुआ है. Yes, yes. That is the brain of AI. जब मैं shooting कर रहा था, तो मैं ऐसा घुसा, मेरा जो dialogue था, मैं ऐसा घुसा, और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने कुछ नहीं, एक empty, ऐसा बड़ा सा empty room है. मैंने बोला यार सैम मैं dialogue किसको बोल रहा हूँ? भले नहीं. उसकी कहानी कैसे हुई, क्या डिजिटल थिएटर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से हम ऑडिटर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे ऑफिस लगभग सारे सेंटर्स में हैं। सैम से मेरी जो बात है वो फोन पे भी किसी के माध्यम से मैंने बात की। जब मैंने पहली बार इस ट्रेलर को देखा, देखने के बाद जो एक्साइटमेंट मुझे मिला कि ये फिल्म है जो कुछ कर सकती है, और उसी दिन से हम करीब 3-4 महीना तो हमने समय में, और आज हमें पहली बार मुलाकात हुई, देखिए हमारी फोन पे हुई, फोन पे बात हुई, हम उसमें मिले भी नहीं, हम आज मिल रहे हैं और हमने काम चालू कर दिया। और एक्साइटमेंट ऐसा है कि जितने भी थिएटर्स हैं एग्जीबिटर्स हैं जिनको मैंने दिखाया, दे ऑल आर एक्साइटेड कि कुछ है, फिल्में चल रही हैं। आपको पता है कि आज के जिसकी फिल्म में कंटेंट अच्छा होगा, कंसेप्ट अच्छा होगा, वो चलेगी, दर्शक बेवकूफ नहीं है, ये और फिल्म अच्छी है, कलाकारों ने बढ़िया काम किया है, उसकी टेकिंग मेकिंग सब अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। तो उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और हम 9 पे हैं और लगातार प्रमोशन हमारा जारी है, जारी है। हम 4 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। Our main pillar is the because he's a director, he's all rounder to be very honest. He knows directs and he is a producer as well as he knows creative person, he knows what how VFX works, how the creative films are done. So he was a guiding inspiration for us when he just said we could not be able to do something else related to technology. But he said that if we have all the frames, I don't want to spend any money. Every frame has to be, there has to be something. I told him that okay fine, let's see the script. Now he has got the film and our small team out here in India, in Mumbai, in the heart of Andheri, and our other team in the main head office in UK, there's a team of VFX out there also. So together both the team has, as Sam has told that this is an Indo-British movie, so our teams also work in that same way better. Some part of work in India and some part of work in UK. So both the team work together and it's just what are the product names? Really from the first frame to the last frame there is VFX, complete VFX. Sometimes you won't be understanding that whether this frame has some VFX or not, but we have worked for 3 years intensively to achieve that kind of frame. So then no one can make out that okay fine, kuch kaam to kiya hai kya nahi kiya hai. No one is able to judge. Thanks to the team, entire team, everyone, and the entire team, actors and everyone. I'm happy and like, let's see how it works. Thank you so much. Before we show you the poster, छोटी सी अनाउंसमेंट है जो आप लोगों की प्यार से
हम एक्चुअली शेयर नहीं करने वाले थे लेकिन अभी कर रहे हैं. आयरा टू पे काम शुरू हो गया. क्या बात है. और इसको क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है तो जिस किस्म का प्यार हमारी इस फिल्म को मिल रहा है तो आयरा टू पे काम शुरू हो गया. सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस नाउ प्लीज. ओके जिस तरह से ये सरप्राइजेस आ रहे हैं हमने एक और सरप्राइज गाने में भी देखने. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि गाने में ही सही जो फॉरेनर्स थे वो हिंदी गाने में डांस कर रहे हैं और गाने में थोड़े हिंदी बोल रही है और बंगाली बोल रही थे राइट. Okay, so that's a wrap and let's go ahead and interviews start karte hain. We all are welcome. Film पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे वीएफएक्स के शॉट्स हैं. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वीएफएक्स के साथ शूटिंग करना. बाकी फिल्मों में थोड़ी बहुत वीएफएक्स होते हैं और वो आपको उतना बॉदर नहीं करते हैं लेकिन इस फिल्म में मेरे बहुत सारे सीन्स एम्प्टी स्पेसेस के साथ थे कि मेरे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और उसके साथ मुझे डायलॉग बोलना था. तो पहले दिन मैं थोड़ा आई वाज थ्रोन और मैंने डायरेक्टर साहब को पूछा बोला यार ये डायलॉग किसको बोल रहा हूँ आने क्या वाला है. तो उन्होंने समझाया कि भाई यहाँ पे पूरा वीएफएक्स पूरा तुमने जो ब्रेन क्रिएट किया है वो ब्रेन यहाँ पे आएगा डेटा बैंक जिसे कहते हैं. और ऐसे कई सीक्वेंसेस हैं लेकिन आई थिंक बाय द टाइम द फिल्म गॉट ओवर आई वाज क्वाइट यूज्ड टू टॉकिंग टू नोबडी. और अब मैं तैयार हूँ अगर मुझे कोई फिल्म मिले जहाँ पे जानवरों के साथ बात करना पड़े और जानवर ना हो तो मैं बड़ी आसानी से बात कर लूंगा. फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है और जो मेरा किरदार है हरी सिंह का ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अक्सर होता है कि हमारे कोई प्रिय हमारे मित्र हमारे परिवार वाले कोई अगर हमें छोड़ के चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है और उनकी याद में हम तस्वीर लगा लेते हैं या वीडियो पे उनके पुराने वीडियोस देख लेते हैं फोन पे. इस ऐप के द्वारा आप एक्चुअली उस इंसान को रिक्रिएट कर सकते हैं और वो जिंदगी भर ताज जिंदगी आपके बगल में रहेगा. उसी तरह उठते बैठते रहेंगे आपके साथ उसी तरह बात करते रहेंगे जैसे पहले करते थे. बस यही है कि आप उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो है नहीं. तो एक अपैरिशन कह सकते हैं या एक छाया छवि कह सकते हैं और इस ऐप को यूज करके वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही होगा इंसान जैसा पहले था. अब क्वेश्चन इज कि ये ऐप अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो आयरा जैसी फिल्म बनती है. कि हरी सिंह के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है. हरी सिंह ने ये बना तो दिया लेकिन ये किसके हाथ में है जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. और यही पिक्चर का निचोड़ है. मैं चाहूंगा कि आप लोग जब फिल्म देखें तो आखिरी शॉट तक अपने सीट से ना उठें क्योंकि इस पिक्चर का निचोड़ आखिरी 5 मिनट में है. अब इतना बड़ा हिंट दे दिया तो आप लोग क्लाइमैक्स जरूर देखिएगा. ये क्लाइमैक्स के बारे में भी एक कहानी आपसे शेयर करता हूं. जब मैं पहली बार शूटिंग करने सेट पे पहुंचा तो मैं सैम को उससे पहले एक ही बार मिला था. डीओपी वगैरह को पहली बार मिल रहा था. शूटिंग करते करते सडनली एक दिन जो मेरे डायरेक्टर है सैम मेरे पास आए बोले मुझे एक बहुत अजीब सा आइडिया आया है मैं शेयर करूं क्या. सर हाँ शेयर करिए. बोले मैं सोच रहा हूँ पिक्चर का एंड चेंज कर दूं. अच्छा अक्सर एक्टर थोड़ा सा नाराज हो जाता है यार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल के हम लोग वहां तक जा रहे हैं तो जो पूरी जर्नी है किरदार की वो उस तरफ जा रही है तुम क्या चेंज करना चाह रहे हो. तो उन्होंने मुझे वहीं बैठे बैठे लंच टाइम पे एंड क्लाइमैक्स जो उनके मन में आया था वो समझाया और मैं एक्चुअली अचंभित रह गया. मैंने बोला ये चाहते हैं आप. बोले हाँ मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा. और हम लोग फिर वो क्लाइमैक्स लास्ट डे पे शूट किया और उन्होंने वो क्लाइमैक्स पूरा चेंज कर दिया. मुझे लगता है कि जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको एक झटका लगेगा कि अरे पिक्चर ये थी. मैं एक बहुत बड़ा नाम लेने वाला हूँ वैसी कोई फिल्म नहीं है लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें एंड में ऐसा कुछ होता है जैसे आप बोलते हैं कि अच्छा अच्छा जो पिक्चर हम देख रहे थे हम सोच रहे थे पिक्चर वो नहीं थी पिक्चर तो ये है. तो उस किस्म का एक एंड है. और बाकी तो थ्रिल है रोमांस है ड्रामा है करिश्मा कोटक है तो बहुत सारी चीजें पिक्चर में देखने के लिए आप लोग जरूर जाइए देखने के लिए. वीएफएक्स भी है साथ साथ. अवेयरनेस की बहुत जरूरत है. आपने सही एक्चुअली सवाल एंड में पूछा तो दो भाग में आपका जवाब दे देता हूँ. ये जो डीप फेक वगैरह है ये तो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है. लेकिन एआई को यूज करके जो स्कैम्स कर सकती है कोई भी इंसान. मुझसे किसी ने हाल ही में ट्रेलर ड्रॉप करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा था कि डू यू थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज डेंजरस एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब. मेरा ये मानना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कहीं ज्यादा डेंजरस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जहाँ गिरता है हानि वहीं पे होती है या उसके आसपास कुछ चंद किलोमीटर में होती है.
लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाए तो वो किसी गांव खेड़े में बैठ के एक कमरे में से पूरे दुनिया को हानि पहुंचा सकता है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब तो कुछ भी नहीं है, ये डीप फेक वगैरह तो बहुत छोटी चीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब देखो हर चीज टेक्नोलॉजी का जहां तक ताल्लुक है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, और हम लोग देख रहे हैं क्या हाल ही में एक सुपरस्टार का चेहरा मॉर्फ करके वहां पे किसी और का डाल दिया था और एक अश्लील वीडियो आउट कर दिया था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आगे चल के अगर ये चलता रहा तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। किसी ने चैट जीपीटी मेंशन किया था, वो भी एक नेसेंट स्टेज है, आगे चल के बहुत सारे ऐसे ऐप्स बनेंगे जहां पे इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कल आप वर्चुअली ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस शूट कर लें, तो ये सारी चीजें हैं, आगे चल के पता चलेगा। हमेशा कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इंसान डर ही जाता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि एक इंसान ही इसको क्रिएट कर रहा है, एक इंसान ही इसको हैंडल कर सकता है, तो होपफुली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन रेस। आप रोल्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैंने कहा कि मैं बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर हूँ, मैं कभी ऐसी चीजें ना बोलता हूँ ना मेरी जिंदगी में हुई है, बहुत बोरिंग हूँ, तो मुझे किसी ने कभी ट्रोल किया नहीं है, और जब मुझे कोई ट्रोल करता भी है बिला वजह तो मैं उसे जाके जवाब देता हूँ। हाल ही में मैंने किसी इंस्टाग्राम मेरे दोस्त के इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक नॉर्मल सा कमेंट रखा था, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ उसे अश्लील भाव से पेश किया, तो मैंने उनको सीधा जाके बोला कि तुम्हारे दिमाग में गंद है, तुम शायद बचपन में सर पे गिर गए थे इसलिए तुम्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, और इसका मतलब ये है ये नहीं है। तो काफी लोगों ने फिर अपोलोजाइज भी किया, ऐसे लोग भी होते हैं अगर आप इंटरेक्ट करके उन्हें बताए अपना पक्ष रखे तो वो लोग सॉरी भी बोल देते हैं। मुझे याद है एक ही बार बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी, जब मैंने रजनीकांत जी का एक जोक डाला था 5-6 साल पहले जब कोविड आया था, तो मैंने कहा था कि रजनीकांत को कोविड नहीं होता है, कोविड को रजनीकांत होता है, क्योंकि हम रजनीकांत के बारे में लार्जर देन लाइफ चुटकुले बनाते हैं, तो किसी ने उसे गलत समझ लिया और उसका गलत मायने निकाल के फिर काफी ट्रोलिंग हुई। फिर मुझे समझाना पड़ा कि भाई ये तो मैं रजनी सर को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं। But usually I kind of engage with somebody who's written something wrong on my Instagram handle. अगर कोई कंट्री के बारे में या religious comment करता है उसे तुरंत ब्लॉक कर देता हूँ, because I can't tolerate anybody saying anything about my country or take up a religious debate with me on Instagram. अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ आके बात करिए या DM करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि religious comment करो तो suddenly आप कुछ कहेंगे तो आप कुछ कहेंगे उसके बाद में आपकी टिप्पणी आएगी, तो ये एक आग बन जाती है। I don't prescribe to that kind of comments on, especially on social media. Right. आखिर में जो आपका जन्मदिन भी है तो 5 तारीख को जो है एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और थैंक यू, क्या क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को बर्थडे के दिन, क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे? मुझे जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक एरीज हूँ, एरीज लोगों को जो है वो बच्चे होते हैं, तो मुझे जन्मदिन सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है कि सैम ने मुझे बहुत अच्छा जन्मदिन दिया है, जन्मदिन का गिफ्ट दिया है कि 4 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है और 4 तारीख की रात को मैं विल ब्रिंग इन माय बर्थडे विद आयरा, और यही चाहता हूँ कि आप लोग सब इस फिल्म के बारे में और बातें करें, लोगों से कहें ताकि लोग थिएटर में आके देखें। मैं चाहता हूँ कि लोग पिक्चर देखें, सिंपल सी बात है, एक अरसे के बाद ऐसी फिल्म मैं कर रहा हूँ, एक सेंट्रल लीड करना अपने आप में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। काबिल और मुंबई सागा के बाद ऐसी फिल्म कर रहा हूँ जहाँ पे पूरा जो बोझ जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर मेरे सर पे है या मेरे कंधों पे है। मुझे बहुत मजा आया ये फिल्म बनाकर, और मुझे लगता है कि जब आप लोग देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा। फिल्म का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डार्क है लेकिन ह्यूमरस भी है, रोमांस भी है, ड्रामा भी है, तो आई थिंक सबको मजा आएगा। और आप लोगों का गिफ्ट मेरे लिए तो मैं कह चुका हूँ कि आप लोग जाके थिएटर में देखें और अपने दोस्तों से भाई बंद रिश्तेदारों से कहें कि देवी और सज्जनों पिक्चर जाके देखिए। चलिए तो यार अनफॉर्चुनेटली मैं होली मनाता नहीं हूँ, मैं पहले होली सिर्फ अमित जी के घर मनाता था और जब से वहाँ की होली बंद हुई है तो मैं ज्यादातर होली बैशेज में जाता नहीं हूँ, लेकिन इस साल हर साल की तरह एक टोकन होली जहाँ हम हमेशा जाते हैं वो शबाना और जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, और वो एक फैमिली एटमोसफियर है और वहाँ पे जाके बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं वो हमेशा वहीं पे मिलते हैं, पर हम लोग वो हु हा धूमधाम वाली होली मनाना बहुत सालों पहले बंद कर दिया था, तो बस जावेद साहब के वहाँ जाएंगे, शबाना जी को तिलक लगाएंगे और होली मनाएंगे, और आप सबको होली की शुभकामनाएं। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, जी जी इंडस्ट्री को फायदा ज्यादा होगा किसका?
एआई टेक्नोलॉजी से इंडस्ट्री को तो फायदा ही होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर सही हाथों में, जैसे प्रणव जी ने हमारा वीएफएक्स किया है, अगर किसी सही इंसान के हाथ में आ गया तो आप स्क्रिप्टें लिख सकते हैं, आप दिमाग में आइडिया सोचते हैं। मैंने भी हाल ही में चैट जीपीटी यूज किया था, तो मैंने जो थॉट था मेरे माइंड में, 5 राइटर को बुला के वो थॉट आपको पेपर पे डालना पड़ता है, लेकिन आप चैट जीपीटी को कहोगे बॉय मीट्स गर्ल, दे गो ऑन अ बाइक राइड, एक्सीडेंट होता है, विलेन आता है, ये होता है, इसकी कहानी बना के बताओ, तो आपको 30 सेकंड में एक सिनॉप्सिस मिल जाता है, तो आपको फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। तो आई थिंक एआई से बहुत फायदा हो सकता है, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को नहीं लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कितना फायदा कितना नुकसान होता है। थैंक यू, थैंक यू। इतना टाइम नहीं हुआ, मैंने अभी ISPL एंकर किया है, तो मैं काफी एंकरिंग करती हूँ, सो आई एम ऑलवेज होस्टिंग क्रिकेट लीग्स, बट यस इट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये पिक्चर जो है आयरा, ये लंदन में शूट हुई थी एंड मैं लंदन से हूँ, तो इट्स नाइस टू शूट एट होम, क्योंकि माय मॉम एंड ब्रदर नेवर सी माय वर्क बिकॉज़ आई एम ऑलवेज इन इंडिया, सो इट्स नाइस दैट माय फैमिली कुड बी देयर। मैंने लंदन में अपने घर से 15 मिनट दूर था लोकेशन, सो दैट वाज वेरी नाइस, सो इट्स ऑलवेज गुड टू शूट इन लंदन। एंड जैसे कि रोहित जी ने बताया, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आई थिंक एवरीबॉडी इज गोना लाइक इट। I can't tell you too much about her because I'll reveal too much. I also think I need to watch the movie as well to remember everything. But it's quite interesting. Oh God, that's a good question. I think center. I think people trolling is awful. I think it's really mean. काफ़ी चीज़ें जो लोग लिखते हैं, यू नो इट्स नॉट नाइस, बट आई जस्ट डिलीट इट, आई इग्नोर इट, एंड व्हाट एल्स कैन यू डू। सो नो ट्रोलिंग, एवरीबडी हैज़ टू बी नाइस टू एवरीवन। आई थिंक सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गुड इफ इट्स यूज्ड इन अ हेल्थी वे एंड अ कंस्ट्रक्टिव वे। सो आई होप एवरीवन लाइक्स द मूवी एंड नो ट्रोलिंग। एक्चुअली शी इज क्वाइट सिमिलर टू मी, क्योंकि वो लड़की भी लंदन से है, तो शी ऑल्सो हैज एन एक्सेंट, सो ऑल ऑफ दैट वर्क्ड, बट आई वर्क्ड अ लॉट विद सैम एंड रोहित एंड टुगेदर वी मेड इट हैपन। या फन, इट वाज रियली रियली फन वर्किंग विद एवरीबॉडी। जैसे कि मैंने कहा, नॉट ओनली इज इट एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इट्स नाइस टू शूट इन लंदन, इट वाज नाइस फॉर मी टू शूट देयर, सो ओवरऑल इट वाज गुड। Thank you, guys. Yes. Yeah. 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 I think exactly. It's a really good question. The fact is that there haven't been many movies in India about artificial intelligence. Artificial intelligence kya hai? You know, logo ko pata hi nahi hai. So I think this is a really interesting concept. And obviously, Sam is ahead of his time. He's sort of a very good story. And you know, when the person tells you the story and when you're listening to it and when you're acting, it's two different things, but this wasn't that. It was very, very to the script. Thank you guys. First of all, तो आयरा एक बहुत हटके फिल्म है, बहुत अलग फिल्म है, बहुत आयरा एक बहुत अलग फिल्म है, बहुत हटके फिल्म है। जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वो नॉर्मल रोमांटिक फिल्म या नॉर्मल स्टोरीज के ऊपर नहीं है, तो ये जब आप थिएटर जाके देखोगे तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ये टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी अभी फ़िलहाल इज़ द टॉक दैट्स हैपनिंग। सो उसके ऊपर बेस्ड ये नॉलेज एनहेंसर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया है इसके बारे में, तो आप देखोगे तो इन डेप्थ किया गया, इसीलिए इसमें इतना सारा थ्रिलर और मर्डर डार्क साइड दिखाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है लोगों को ऐसा लगता है कि अरे फिर तो बहुत इजी हो गया है, फ़ोन खोलो, ऐप खोलो, डाउनलोड कर लो, सब कुछ इजी हो जाता है। लेकिन आप चाहे कोई भी ऐप्स ले लो, अभी बैंकिंग ऐप हो गया, कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं, वो अवेयरनेस सब लोगों को होता नहीं है, तो ये अवेयरनेस इसमें दिखा गया है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, एक कैरेक्टर है इमरुल खान जो मैं प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है,
ये सारे कैरेक्टर्स मिल के इस ऐप को, इस सॉफ्टवेयर को एक एक नया नया चेहरा देते हैं इस ऐप को. लेकिन वहाँ से कैसे सडनली सब कुछ कोलैप्स होके सारी चीज़ें नेगेटिव इसमें चली जाती हैं, वो इसमें ब्यूटीफुली दिखाया गया है. तो प्लीज़ देखें. एज एन एक्टर, ये एक्चुअली मेरी पहली हिंदी फिल्म है. सो हाई टू एवरीबडी एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये फिल्म बहुत अलग है, तो इसमें जिस तरीके से शूट किया गया है वो भी बहुत अलग है. ये नॉर्मल जैसे हर सीन आप किसी को एक्टर के साथ खड़े होके डायलॉग्स बोल के इंटरेक्ट करते हो, वैसा वाला नहीं था. बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, वीडियो कॉल्स और ऑडियो कॉल्स और फेस टाइम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं जिसमें डायलॉग्स तो दी जाती हैं आपको. सैम जी ने काफ़ी सारे डायलॉग्स दी थी, तो मैंने सोचा कि मेरे को एक्टर के साथ फेस टू फेस होगा, लेकिन जैसे रोहित जी ने बताया फेस टू फेस बिल्कुल नहीं था. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डायलॉग्स थी जो आपको सिर्फ हवा में ऐसे बोलनी पड़ी, ग्रीन स्क्रीन था. तो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. इनिशियली थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, लेकिन सैम एज अ डायरेक्टर बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्पफुल है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हम कैमरा ऑन है और हम शूट कर रहे हैं. तो इट वॉज अ वेरी वेरी डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस. तो यार थैंक यू सो मच. आयरा का आइडिया बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था. इस नॉट ए मीन्स हम तो इसके साथ जी रहे लास्ट तीन साल से, दो तीन साल से इस पे VFX का काम चला हुआ है एंड एवरीथिंग. दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू बेसिकली. जब मैं फाइनल कॉपी आई सॉ इट ऑन सैटरडे, बिकॉज एवरी डे इस पे करेक्शंस आता है, एवरी डे कुछ ना कुछ चेंज होता है. बिकॉज जब आपका फिल्म टोटली ड्रामा ना हो एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इट टेक्स टाइम. बट द आइडिया ऑल स्टार्टेड, आपको मैंने जो बोला था, आइडिया स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ AI. जब कोविड में आपका बहुत हलचल मच गया था कि यू नो पीपल आर टॉकिंग ऑन जूम कॉल्स, पीपल कांट सी ईच अदर, पीपल ऑफिस में जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंड ऑल द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू योर जूम कॉल्स एंड एवरीथिंग. सो हमने सोचा कि कुछ नया करते हैं और इसका क्या रिपरकशंस है आदमी को समझाते. सो ऑब्वियसली दैट वॉज द आइडिया हाउ इट वॉज सेट. एंड नाउ मीन्स इट इज द राइट टाइम एंड जो बढ़ गया है, जो अभी जो सिचुएशन है, इट इज क्वाइट right to the time for release. Rohit ji is a best fit in the character. जब आप देखोगे वो आपको समझ में आएगा. बिकॉज इसपे जो है मैं ज्यादा इसका प्लॉट मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ. मतलब मैंने तो इसपे सोशल मीडिया में बहुत जगह पे देखा है कि आपका 2.5 मिनट का ट्रेलर में इन्होंने पूरा स्टोरी बता दिया. सो आप सोचो ट्रेलर में आपको इतना स्टोरी समझ में आता है तो 2.5 घंटे में फिल्म में क्या क्या दिखाई देगा. तो वो समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स वेर वेरी वेरी स्पेसिफिक. हमने किसी को भी चूज किया है, हमने बहुत कुछ सोच के चूज किया है. कॉम्पेटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग और बिलीविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस इट्स नॉट ईजी. मैं किसी को भी जाके कोई भी एक्टर को बोलूंगा कि मेरे को ये करना है, सब ट्रस्ट नहीं करेंगे. बिकॉज आज के दिन में आपका हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, क्या क्या उनको क्या दिख रहा है. बिकॉज इसमें रियलिटी बहुत कम है, वर्चुअलिटी ज़्यादा है. सो जब हम पिच कर रहे थे उनको समझ में आया कि कॉन्सेप्ट हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली ही इज द राइट चॉइस. हाँ जी, नहीं, AI विल नेवर रिप्लेस ह्यूमैनिटी. आई डोंट ट्रस्ट दैट स्टेटमेंट. But I definitely believe that actually it can make your life better if it is utilized in a proper way. But हमारे industry में तो film making में तो definitely कभी आपका है ना आदमी का replacement कभी computer कर नहीं सकता. आप computer को आपका slave बना सकते हो. If you are doing the right things with your computer, it can let you be more productive. That's the whole idea of AI. But ऑफकोर्स इस्तेमाल तो गलत हो ही रहा है. इस्तेमाल आज गलत नहीं हो, आज के दिन में नहीं हो रहा है. आज यू नो इट इज द स्टार्टिंग ऑफ, जिस दिन से ऐप वगैरह बनना चालू हुआ है उसके पीछे क्या मोटिव है किसी को कोई पता नहीं है. आप जब फ्री ऐप डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में, आप नहीं देखते हो, आप व्हाट्सएप चलाते हो ना रोज. मीन्स आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट व्हाट्सएप एज थिंग. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग एंड वेयर यू आर सेंडिंग द मैसेज.
कहाँ पे किस डेटा सर्वर में जा रहा है, कहाँ पे से आपका मैसेज मेरे को आ रहा है, यू डोंट नो, इट मे बी समवेयर इन बिटवीन, अफगानिस्तान में जा रहा है ना चाइना में जा रहा है, यू डोंट नो. सो टेक्निकली इट इज अ वेरी ग्रे एरिया. हाँ, सो इट्स अ ग्रे एरिया विच वी नीड टू इन्वेस्टिगेट. और जितना हम लोग जितना स्मार्ट होंगे, जितना और 2-3 साल बाद हम लोग ने जब फिल्म चालू किया था तो वी वर लर्निंग हाउ टू, बिकॉज वी न्यू द रिपरकशंस एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट टुडे वी नो दैट व्हाट इज चैट जीपीटी, व्हाट इज फेक इमेज. वो 2-3 साल पहले अपने को पता नहीं था, बिकॉज दिस वॉज ओनली कमिंग अप एंड दैट टाइम वी हैड मेड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर. किसी का रूल्स वायलेट नहीं करके, किसी का लोगो नहीं दिखा के, वी हैव मेड दोस whole infrastructure, whole UIs and everything. It's very simple. The guys, go and watch the movie in cinemas. I think the whole idea was to make a movie where we are expecting social gathering. आज के दिन में हमको सबसे बड़ा problem ये है कि because I come from a generation जब cinema देखना हम खुश होके देखते थे. We used to take up, you know, bucket of popcorn, go and watch it with family and with friends and everything. We would like to ask people to do that, because if you go and enjoy it in a cinema, it's a cinema experience. We have made the film, we have given a Dolby sound, we have done everything which is required for a cinema. So go and watch it in a cinema. Mobile phone mein dekhe kya maja aayega. So wahi request rahega ki people, if they can go and watch it, they will understand more, because hai thoda sa critical film. समझने के लिए यू हैव टू सिट ऑन इट एंड बिकॉज़ इट विल कीप यू ग्रिप्ड, वेरी ग्रिप्ड, वेल ग्रिप्ड.